नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राजवर्धन बोडेकर और आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की स्ट्रेटजी यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इस सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट बन चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने की एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी ने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन से और करंट अफेयर से भी पूछे हैं, एंड हेंस देयर इज ए नीड ऑफ राइट बैलेंस बिटवीन स्टैटिक as well as current affairs portion. So based upon that, there is a strategy. So in that strategy, firstly, we'll have to understand the syllabus. सबसे पहले हमें syllabus को समझना होगा। अगर हम syllabus को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, right? So if we are able to understand the syllabus, then we'll be able to focus on those things which are essential for our studies. Secondly, हमें जो previous year questions हैं UPSC के, उसे analyze करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है क्योंकि syllabus और previous year questions हमारे lighthouse होते हैं। सो आपको पता होगा, किसी भी बोट को किनारे तक पहुंचने के लिए लाइट हाउस की ज़रूरत होती है। सिमिलरली फॉर आवर स्टडीज़, दोज लाइट हाउसेस आर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक हमें इस सब्जेक्ट का या किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा, और अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तो हमारी स्टडी, एक चैनलाइज स्टडी कभी नहीं हो पाएगी। एंड दैट्स व्हाई देयर इज़ ए नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड देयर इज़ ए नीड टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें ये पता चल सकता है कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उस टॉपिक्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने में फिर हमें आसानी होगी। And that's why third step in the strategy is conceptual understanding of the topics, right? So UPSC का syllabus हमने पढ़ा, उसके बाद हमने previous year questions का analysis किया, और उसमें जो topics हमने shortlist किए उसकी conceptual understanding हमें develop करी, right? So that is the third step. Next step is गैदरिंग दी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सी, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम एनालाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फैक्चुअल नॉलेज डिमांड करेंगे, और वो फैक्चुअल नॉलेज फॉर एग्जांपल हो सकता है प्रोटेक्टेड एरियाज़ का, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के स्टेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के स्पीशीज़, वो हमें जानना ज़रूरी है, और जो स्पीशीज़ है उनका IUCN स्टेटस जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। सो इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एंड दैट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विल हैव टू कलेक्ट, और इसी को कहते हैं नोट्स, राइट? सो जब हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तब हम क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्टली वी आर मेकिंग आवर ओन नोट्स, राइट? सो एट द थर्ड लेवल व्हाट वी हैव डन, एट द थर्ड लेवल वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, एट फोर्थ लेवल वी हैव कलेक्टेड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। हमने फोर्थ लेवल पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जमा की। नेक्स्ट, अपडेशन ऑफ करंट अफेयर्स। फिफ्थ लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ लेवल पे हम जो करंट अफेयर्स है पिछले मान लीजिए पिछले 1 से 1.5 साल का, उस करंट अफेयर्स का हमने अच्छी तरीके से पढ़ाई की। सॉरी, 5th स्टेप है अपडेशन ऑफ करंट इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आप अटेम्प्ट दे रहे हैं 2022 में, तो जनवरी 2021 से जो करंट अफेयर्स है उसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। सो वो होगी हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, अपडेशन ऑफ करंट इंफॉर्मेशन, जिसे करंट अफेयर्स भी कहते हैं, जिसे करंट अफेयर्स भी कहते हैं। सो 3rd स्टेप ने हम, जिसे करंट अफेयर्स भी कहते हैं, 3rd स्टेप में हमने क्या किया? हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की। 4th स्टेप में हमने क्या किया? हमने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की नोट्स बनाई। 5th स्टेप में हमने क्या किया? हमने करंट अफेयर्स का अपडेट किया। सो बेस्ड अपॉन 3rd, 4th and 5th स्टेप वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर सिलेबस। जब हम ये सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो एक लास्ट स्टेप बचती है और वो है रिवीजन की। सो 6th स्टेप इन द स्ट्रैटेजी इज रिवीजन। व्हेनेवर यू आर comfortable with the conceptual, factual as well as current information, at that time you can start your revision. So revision का एक अपना ही महत्व है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में, because based upon revision will be able to consolidate that topic, right? So revision के वजह से क्या होगा? रिविजन के वजह से हम जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको हम और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। एंड दैट इज़ अबाउट दी स्ट्रैटेजी। सो मुझे एक बार फिर से आपको ये स्ट्रैटेजी दिखाने दीजिए। सो स्ट्रैटेजी है, फर्स्टली सिलेबस को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, क्योंकि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर लाइक आर लाइट हाउसेस। 3rd स्टेप में हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। जो टॉपिक्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस के बेसिस पे निकाले हैं उन टॉपिक्स की। नेक्स्ट, हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए क्या हो सकती है? वो इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रोटेक्टेड एरियाज, स्पीशीज एसोसिएटेड विद दोज प्रोटेक्टेड एरियाज, IUCN स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीशीज एक्सेट्रा। सिमिलरली उसके बाद हम करंट इंफॉर्मेशन या करंट अफेयर्स को अपडेट करेंगे और लास्टली हम रिवीजन करेंगे। सो दैट इज द 6-pronged स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो इन 6 स्टेप्स के बेसिस पे हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को पढ़ेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये सब डिज़ाइन कर लिया, स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर लिए, सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर सोर्सेस कौन से हैं? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कहाँ से पढ़ना है? सो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सोर्सेस अब हम डिस्कस करेंगे। सो जो कोई एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बेसिक सोर्सेस होंगे। वो बेसिक सोर्सेस है NCERTs और ICSE के 9th and 10th स्टैंडर्ड के बुक्स। NCERTs में आपका फोकस स्पेशली 12th के बायोलॉजी के NCERT पे होगा, क्योंकि इस NCERT में कुछ टॉपिक्स इकोलॉजी से रिलेटेड है, राइट? फॉर ICSE इट शुड बी 9th and 10th स्टैंडर्ड ICSE बुक्स, राइट? सो ये हो गए आपके बेसिक सोर्सेस, NCERT 12th स्टैंडर्ड का, प्राइमरली बायोलॉजी का, जिसमें हमें इकोलॉजी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ICSE का 9th और 10th स्टैंडर्ड का बुक, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, पोल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। सबसे पहला न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर स्पेशली द हिंदू। इस न्यूज़पेपर में जो कोई एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक या न्यूज़ आएगी उसको आपने नोट्स के फॉर्म में निकाल के रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट विल ऑल्सो गेट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। आजकल इंटरनेट ये एक इसेंशियल नीड हो चुका है एंड दैट्स वाई इवन द इंफॉर्मेशन फॉर्म इंटरनेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो ये हो गए हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेस, द न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। नाउ इफ यू आर डन विथ बेसिक्स एंड करंट अफेयर्स you have to study the advanced material as well. Advanced material को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि advanced material आपको information देगा कुछ ऐसे topics की जो basic या current affairs में नहीं होंगे। और advanced material जो आपको पढ़ना है वो है NIOS का environment and ecology का source. So NIOS has its own PDFs for environment and ecology. Those PDFs you should study for better understanding of environment and ecology, right? So that is about the sources from environment and ecology. So let me repeat those sources for you. First is basic sources, NCERT, कौन से standard का? 12th standard biology, ICSE book 9th और 10th स्टैंडर्ड का, जिसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एनवायरमेंटल साइंस की रिलेटेड। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, स्पेशली द हिंदू न्यूज़पेपर और इंटरनेट, एंड एडवांस सोर्स होगा हमारा NIOS का एनवायरमेंटल साइंस का मटेरियल। सो दैट इज़ अबाउट दी सोर्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सोर्सेस कहाँ से, सो दिस स्लाइड helps you in the understanding of sources for environment and ecology. Let us conclude this session with one question. और वो question है, why it is important to understand environment? Environment को जानना क्यों ज़रूरी है? और इस question का answer हमें UPSC या किसी exam के boundary में रहकर नहीं देना है. We should try to understand environment in the larger perspective. So this question is not related to any exam. आप बोल सकते हो कि सर UPSC या किसी और एग्ज़ाम में environment का syllabus है इसीलिए environment को जानना ज़रूरी है. That is one of the answers, fine. But that may be a narrow approach to understand environment. मेरा question एक larger perspective में है. Environment को जानना क्यों ज़रूरी है? एनवायरनमेंट को जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स हैव एक्सप्लॉयटेड एनवायरनमेंट नॉट ओनली फॉर आवर बेसिक नीड्स बट ऑल्सो फॉर आवर लग्जरी। हमने एनवायरनमेंट के सोर्सेस का सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए नहीं लेकिन हमारी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए भी उपयोग किया है और उसके वजह से जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेस है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डैमेज वेरियस स्पीशीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। और इसी वजह से हमारा ये दायित्व बनता है एनवायरमेंट की तरफ कि हम एनवायरमेंट को कंजर्व करें और हम कंजर्व तभी कर पाएंगे एनवायरमेंट को जब हमें एनवायरमेंट का ज्ञान होगा एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट। सो इन नटशेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स हैव एक्सप्लॉयटेड एनवायरमेंट एंड इट्स रिसोर्सेस टू मेक श्योर दैट दीज रिसोर्सेस आर यूज्ड इन ए सस्टेनेबल मैनर सो दैट none of the species is extinct or none of the species get extinct because of human beings. We need to understand environment, right? सो एनवायरनमेंट हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल वे में यूज़ कर पाए. And that is about this question. So with this question, let me conclude this session. So I hope आपको environment का importance, environment का syllabus और environment के syllabus का decoding समझ में आया होगा. So based upon this, let us conclude this session. All the best for your exam and thank you for your time.